और हूं इसलिए इस समय वो मेरे साथ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा अकेलेपन मिटाऊंगी। मुझे खेद है देवी, किंतु ये संभव नहीं है। क्यों, क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए कि मैं यहां अपने भ्राता श्री का सेवक बनकर आया हूं, और एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त एक और सेविका का बोझ अपने स्वामी के कंधों पर डाले। आर्य पुत्र, समझी थी कि इसकी पत्नी कोई साधारण नारी होगी, परंतु ये तो अत्यंत सुंदर मानवी है। अब समझी इसने मेरी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया। भला ऐसी रूपवती को छोड़कर कोई पुरुष किसी दूसरी नारी की ओर क्यों देखेगा? पहले मैं इसे कुर्क किए देती हूं, फिर इसे मेरा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा। क्या तूने मेरी नाक काट दी, मुझे कुरूप बना दिया? ये देख, राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया है। मैं अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आती हूँ, वे तुम दोनों का वध कर देंगे और राम को मेरा होना होगा, मेरा होना होगा। अब ये दुष्टा अपने भाइयों को लेकर आएगी, हम पर आक्रमण होगा। अनुज, लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी कंदरा में छुप जाओ, मैं नहीं चाहता कि जनक नंदिनी रक्तपात देखे। राधा श्री, आप भाभी श्री को अपने साथ ले जाइए, इन राक्षसों को तो मैं देख लूंगा। नहीं अनुज, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, तुम जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये मेरा आदेश है अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। आइए भाभी श्री,